हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। जैसे धीरज कुमार एडमिट कार्ड आ गया है आपका, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक JDB यांत्रिक का, और कैसे डाउनलोड करना है इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। अपने से कुछ प्रयास करने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना ताकि फिर से एक ही बार तीन बार ना करना पड़े। और इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ों को सिखाऊंगा। अगर किसी का फोटो नहीं है तो वो सेम फोटो ले जाना तो कैसे मिलेगा आपको, ठीक है। लॉग इन करने में रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी लिख रहा है, क्लोज वगैरह जो भी सारा, मतलब बीमारी के इलाज में कर दे रहा हूँ अभी, रुको। चलो उसको स्टार्ट करेंगे। और देखो सबसे पहले ना यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि एडमिट कार्ड आ गया है, मैंने डाउनलोड किया एक बच्चे का जिसका शिफ्ट सी के अंदर है, ठीक है। अब 20 नवंबर को एग्ज़ाम है शिफ्ट सी। अब सी क्या होता है, बी क्या होता है, मैं बताऊँगा आपको, टेंशन ना लेना। तो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ना एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि आप में से जितने लोगों ने अभी तक हमारी मैथ के PDF को, रीजनिंग के PDF को, साइंस के PDF को और इंग्लिश के PDF को नहीं लिया है ना, तो इसको बाई करके आप अपनी मतलब रिवीजन कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला आपको। अब मैं ये नहीं कहूँगा ना कि 60 में से 60 हमारे PDF से आने वाला, ऐसा नहीं होता है, कहीं से नहीं होगा। बट मोस्ट प्रॉब्ली मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है ना कि पूरा का पूरा सेम पैटर्न मैथ जो है फॉलो करेगा, पूरा सेम पैटर्न रीजनिंग फॉलो करेगा, और साइंस के कुछ क्वेश्चंस भी हमारे PDF से आने वाले और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस PDF के अंदर से आने वाले। ये चीज़ मैं जरूर कहूँगा, आपके जहाँ फेल होने की संभावना थी वहाँ पे पास कराने की संभावना हम बना देंगे, ठीक है। और मैथ वाले PDF के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन का लिंक मिल जाएगा, रीजनिंग वाले PDF के अंदर आपको मतलब सॉल्यूशन रहेगा, वीडियो सॉल्यूशन नहीं रहेगा, ठीक है। और साइंस का तो आंसर रहेगा और इंग्लिश का आंसर रहेगा। इन सबको बाई करने के लिए आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 7279047787 पे, हमारे टीम मेंबर्स आपको बता देंगे किस तरीके से बाई करना। और इसकी प्राइसेस बहुत लो है, ठीक है, एक एक PDF की अलग अलग प्राइसेस है, बहुत लो है, आप देख के खुश हो जाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को सॉल्यूशन बता दूँ आपका, ये ABC क्या है। देखो जिसका फर्स्ट शिफ्ट में होगा 20 तारीख को, उसका A में, ठीक है, सेकेंड वाले का B में, थर्ड वाले का C में, ठीक है। फिर 21 को जिसका फर्स्ट में रहेगा उसका D होगा, सेकेंड वाले का E होगा, थर्ड वाले का F होगा। इस तरीके से चलते जाएगा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो Z तक नहीं जाएगा, जितना शिफ्ट होगा उतना तक ये लोग ABCD पढ़ के छोड़ देंगे, ठीक है। थर्ड शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम है आपका 3 बजे शाम को, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का कब है पता नहीं है, मेरे को मिला नहीं एडमिट कार्ड उसका, बच्चे भेज देना या फिर तो पता चल जाएगा ना। अब रिपोर्टिंग टाइम क्या होता है, क्लोजिंग टाइम क्या होता है, ये सुनो। रिपोर्टिंग टाइम इन द सेंस कि आपको 3 से 3:30 बजे तक गेट पे पहुंच जाना है, क्योंकि 3:30 के बाद जो रिपोर्ट क्लोजिंग टाइम है ना, ये आपको एंट्री नहीं देंगे, गेट में एंट्री होगा 3 बजे से, ठीक है। 3 बजे से आधा घंटा पहले सेंटर में पहुंच जाना बेटर होगा, 3 बजे के बाद मत जाना। 3 से 3:30 के बीच में आपको गेट से एंट्री मिलेगी, 3:30 से अगर 3:30 से 3:31 भी हो गया तो वो बंद कर देंगे एंट्री, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि 3 बजे से पहले सेंटर में पहुंच जाए, वो अंदर घुसार देंगे 3:30 बजे तक सबको, ठीक है। अंदर घुसाने के बाद बायोमेट्रिक्स होता है और सिग्नेचर वगैरह करते करते बैठाएंगे, और 4:45 से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, अंदर 6 बजे तक चलेगा। अब सुनो मैं ये कह रहा हूँ, ये GD वाले बच्चे का एडमिट कार्ड है। अब 4:45 से एग्जाम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम 4 बजे पहुंचेंगे, 4 बजे पहुंचोगे एग्जाम में मतलब घुसने नहीं देंगे, फिर रोना रोओगे, ठीक है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट बात देखो, आप 3 बजे जितने बजे रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले पहुंच जाना। अब ये चीज क्या है ना कि अदर बैक, ये क्या ना, आधार कार्ड, ID कार्ड के नीचे क्या लिखा हुआ है, देखो कैटेगरी के नीचे लिखा होगा आधार कार्ड, ठीक है, ID कार्ड के बगल में। अब जिसका इसके अंदर आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ है वो आधार कार्ड मस्ट है लेके जाना होगा, जिसका अगर पैन कार्ड लिखा होगा उसको आधार के साथ पैन भी ले जाना, ठीक है। बट मैं कहूंगा कि आधार कार्ड तो जरूर ले लेना, इसके अलावा भी अगर कोई आपका इम्पॉर्टेंट अगर लग रहा है ना कि डॉक्यूमेंट्स है तो वो सभी चीज़ों को आपको ले जाना होगा। फिलहाल मैं बता दूँ कि सबसे पहले कैसे करना है, आपको लॉग इन कर लेना है इस वेबसाइट पे, जाना अपना ईमेल डाल लेना, पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल लेना, ठीक है, कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे। वैसे मैं टेलीग्राम पे इसका लिंक दे दूंगा, ओके सर। आगे देखो, फिर जाओगे तो खुलेगा जैसे ही, तो ये वाला सीरीज दिखेगा, मतलब ऊपर आपका एडमिट कार्ड किस चीज़ के लिए अप्लाई की हो, डेट वगैरह। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके ना, बगल में स्क्रॉल का जो चिन्ह होता है उससे नीचे आओगे, मतलब नीचे करके जाओगे तो आपको यहाँ पे एक ना चेक करने का बॉक्स होगा, चेक करोगे फिर डाउनलोड कर लोगे, बस कहानी खत्म, डाउनलोड हो जाएगा आपका इस तरीके से। अब एग्जामिनेशन गाइडलाइन दे रखा गया, ठीक है ना, तो इस एग्जामिनेशन गाइडलाइन को जरूर पढ़ लेना, और एग्जाम में ना क्या क्या ले जाना पहले मैं वो आपको वो बता देता हूँ, उस गाइडलाइन के ऊपर तो आराम से वीडियोज बनते रहेंगे बाद में, चाहे अभी भी समझा दूंगा लास्ट में। बट 10th का मार्कशीट ले जाना है कि 12th का ले जाना है वो समझ लो, इंपॉर्टेंट है।
एडमिट कार्ड के नीचे अगर इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो एक चीज आपको बदलाव दिखेगा। जैसे हर बार आपसे ना 10th का मार्कशीट मांगा जाता था, इस बार कहीं भी लिखा नहीं है कि 10th का मार्कशीट लेके आना है ओरिजिनल। ठीक है, क्या क्या चीजें लिखी गई है जस्ट मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देना चाहूंगा। ठीक है, देखो ये लिखा है ना, यूजर नेम फॉर स्टेज वन एग्जामिनेशन इज योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी याद करके जाना होगा, बिकॉज यूजर नेम जहां पे डालने के लिए कहेगा ना वहां पे अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना होगा। अगर भूल गए तो एग्जाम नहीं दे पाओगे, बात क्लियर है। अगर ईमेल आईडी भूल गए अपना जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम डाला है तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, इस चीज को याद रखना, बहुत बेबीआई चीज है ये। फिर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्रॉट एट द एग्जामिनेशन सेंटर, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ एज सबमिटेड इन एप्लीकेशन या फिर मेंशन इन ई एडमिट कार्ड। जैसे कह रहे ना कि एक वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना, अब क्या ले जाना है, जो आपने मेंशन किया है ई एडमिट कार्ड पे, एक तरीके से वो ले जाओ। जैसे आधार कार्ड नंबर डाला है तो आधार ले लेना, ओरिजिनल लेना, फोटो कॉपी मत ले लेना, और पैन कार्ड डाले हो तो पैन कार्ड ले लेना। फिर कह रहा है दूसरे नंबर पे बी में देखो क्या कह रहा है, एक कलर प्रिंट आउट ई एडमिट कार्ड, ब्लैक एंड व्हाइट नॉट अलाउड। एक जो है ना सिर्फ फ्रंट पेज का आपको एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करा लेना, कलर प्रिंट कराना है, रंगीन कराना है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कराना है। ठीक है, तो पहले बोल रहा हूँ जहां से प्रिंट आउट करा रहे हो उसको पहले पूछ लेना, भैया तेरे को ब्लैक एंड आउट नहीं चाहिए मेरे को, अगर तेरे पास कलर प्रिंट आउट होता है, प्रिंट आउट होता है रंगीन प्रिंट करने आता है, या फिर तेरे पास मशीन है तो कर, नहीं तो डायरेक्ट मना कर। ठीक है, दुकान वाले आपको बेवकूफ़ बना के ब्लैक एंड व्हाइट दे देंगे तो फिर वहां जाके आपका दिमाग का बत्ती खुलेगा कि अरे सर हमने गलती कर दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे टॉपिक नंबर सी देखो, दो मतलब टू इन नंबर पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विद सिमिलर फेशियल फीचर्स एज अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको दो पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, कलर मतलब कलर रंगीन फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का जो आपने एडमिट कार्ड पे दिया है। अब सवाल आता है कि सर वो फोटो हुआ तो खा पका के बराबर कर दिए, सुनो तो आपने एडमिट कार्ड पे ये जो फोटो आपका यहाँ पे दिया होगा ना, तो ये जो पीडीएफ होगा ना, मैं बताता हूँ, गूगल पे सर्च मारना आप, गूगल पे सर्च मारोगे पीडीएफ टू जेपीजी, क्या मारोगे सर्च, पीडीएफ टू जेपीजी, तो पहले ही आपको खुलेगा आई लव पीडीएफ डॉट कॉम, एक वेबसाइट है। ठीक है, आई लव पीडीएफ डॉट कॉम, इसको पीडीएफ से प्यार हो गया। तो इस वेबसाइट को ओपन करोगे ना तो यहाँ पे पीडीएफ को अपलोड कर देना, सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पे कर देना अपलोड, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अपलोड करोगे नीचे फिर आपको कन्वर्ट करोगे, फिर डाउनलोड कर लेना, आपका पीडीएफ फोटो बन जाएगा, जेपीजी फॉर्मेट में आ जाएगा। और उस जेपीजी को डाउनलोड करके फोटोशॉप वाले दुकान पे जाके दोगे, वहां से आपके फोटो को कट कर लिया, कट करके इस तरीके से प्रिंट आउट कर देगा सेम फोटो को। थोड़ा सा मतलब इतना क्लियर तो नहीं रहेगा, बट आपके एग्जाम में काम चल जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, इस वीडियो को लेंदी नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ इसमें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चेंजेस हुई है, अलग वीडियो में बताएंगे आपको हम। यहाँ पे मेनली आपको ये कहना कि एग्जामिनेशन सेंटर डेट एंड टाइम है उसी पे जाना है और कुछ नहीं, और COVID-19 का इंस्ट्रक्शन है वो सभी चीज़ों को फिल करना है, वो सभी पे वीडियो बनेगा, तो लगातार चैनल को फॉलो करते रहना। 3 नंबर पे जो दे रखा है बहुत बीबीआई है, कि वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ जो मैंने ऊपर बताया, एक कलर प्रिंट आउट चाहिए एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चाहिए दो, जो कि सेम फोटो चाहिए। अगर आप SC ST हो, सुनो SC ST हो, अगर आप पैसा लेना चाहते हो भाड़ा, तो आप ब्रिंग ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना, टू फोटो कॉपी ऑफ सेल्फ स्टेटस, मतलब SC ST SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल और दो फोटो कॉपी करा लेना, ओरिजिनल ट्रेन और बस का टिकट ले लेना, कैंसिल चेक ले लेना। ठीक है, पेमेंट वो आप लोग कर देंगे, और TA फॉर्म डाउनलोड करके वेबसाइट से प्रिंट कर लेना, अगर आपको पैसा चाहिए तो, नहीं चाहिए तो जरूरी नहीं है ये। ठीक है, और ये सभी डॉक्यूमेंट छोड़ के जाओगे, मतलब जो जो चीज़ें मेन सबको, ये 3 डॉक्यूमेंट है, ये छूट के गया ऊपर से लेके ABC का, कहानी खत्म। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें हैं जो गाइडलाइंस वगैरह है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब VBI है, एक ही वीडियो के अंदर बता दूंगा तो आप केयर नहीं करोगे, तो जिसका जिसका है पहले जाके डाउनलोड करो। ठीक है, और कपड़ा उपड़ा का भी बहुत ज़्यादा है, तो अलग अलग वीडियो में बात करेंगे, छोटी छोटी वीडियो में, ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे। और फिर से कहना चाहेंगे A to Z Study की एप्लीकेशन आ गया, डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, और इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सअप करके आप हमारे PDF को बाई करके एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक करके।